नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूँ किशन चंद। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। भारत में लगातार हो रहे सेना और रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण को देखते हुए हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि इसने भारत के साथ एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा है। लॉकहीड मार्टिन में एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट विवेक लाल ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन भारत के साथ रणनीतिक और लंबे समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस पार्टनरशिप में विश्वास रखती है। इस रक्षा समझौते की वजह से न सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका और उसके बाहर तमाम देशों को भी फायदा होगा। लाल ने कहा कि हमें विश्वास है कि हाल ही में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर व दूसरे उपकरणों के लिए रखे गए इस प्रस्ताव से न सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि रक्षा क्षेत्र की कई क्षमताएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पिछले साल टाटा के साथ मिलकर F-16 विंग्स को बनाने की घोषणा की थी। इसमें मेक इन इंडिया की बड़ी भूमिका है। भारत में हम और लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं। भारत में जो संभावनाएं हैं उसे लेकर हम लोग काफी उत्साहित हैं। लॉकहीड मार्टिन इंडियन नेवी द्वारा 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी में भी अपनी सहभागिता चाहता है। इसके लिए S-76D हेलीकॉप्टर सबसे अच्छा होगा। लाल ने कहा S-76D फैमिली के हेलीकॉप्टर को आज की नई तकनीक से जोड़ने के बाद इसकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भरोसेमंद शक्तिशाली S-76D एयरक्राफ्ट काफी विपरीत मौसम में भी चुनौतीपूर्ण टास्क को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप के बारे में लॉकहीड मार्टिन ने भारत को कहा है। लेकिन दोस्तों आप कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की एक नीति रहती है कि वो किसी न किसी तरीके से भारत को ट्रैप करें, और उसने देख लिया कि भारत में एक अच्छा मार्केट है हथियारों के मामले में और भारत काफ़ी मात्रा में उनसे हथियार ले रहा है, और ऐसे में वो एक के बाद एक ऐसे कहते हैं कि प्रस्ताव दे रहे हैं जिससे कि लालच, जिसे हम कह सकते हैं लालच दे रहे हैं, जिसके चंगुल में अगर हम फंस जाते हैं तो मुश्किलें भारत के लिए होंगी। दोस्तों कहीं ना कहीं लॉकहीड मार्टिन अपनी मार्केट इंडिया में खोज रहा है, और उसका कहना तो ये है कि इससे भारत ही नहीं बल्कि उन देशों को भी फायदा होगा जो हथियार खरीदना चाहते हैं। तो यानी आप दोस्तों समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, और मैं तो नहीं मानता कि लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनी भारत के साथ टाई अप करके भारत का ध्यान रखेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है क्या वो वास्तविक में भारत का हित देख रही है या फिर एक अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर देख रही है? आप जरूर लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। दूसरी मुझे अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना को लेकर। केंद्रीय मंत्री सुभाष भामरे ने मंगलवार को कहा कि देश आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर भारी संसाधनों का निवेश करने जा रहा है। वर्तमान में सारे रक्षा उपकरण आयात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र और उद्योग के बीच बेहतर सहयोग हो, इस बात की मैं उम्मीद रखता हूं। वे रक्षा से संबंधित सेमिनार डिफेंस इंडस्ट्री इंडाइजेशन को संबोधित कर रहे थे, जहां पर विभिन्न रक्षा संगठनों के उद्योग के प्रेसिडेंट्स और अधिकारी मौजूद थे। दोस्तों आपको बता दें कि सुभाष भामरे ने रक्षा आधुनिकीकरण के लिए डिफेंस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट्स और अधिकारियों को कहा कि वे निवेश के लिए तैयार रहें, इसके लिए उन्हें निवेश के अनुकूल रिटर्न्स भी प्राप्त होंगे। वर्तमान में बहुत सारे रक्षा उपकरण बाहर से आयात किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हमें खुद के दम पर हथियारों का आधुनिकीकरण करके इस आयात वाली प्रक्रिया को कहीं पलट नहीं देना चाहिए? ऐसा संभव है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के आयात में काफ़ी लागत लगती है और युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत तेजी से होता है, ऐसे में हमें दूसरों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। रक्षा उद्योग को यह जानने की आवश्यकता है कि सशस्त्र बलों को किस चीज की जरूरत है, आने वाले वर्षों में उनकी क्या संभावनाएं होंगी। दोस्तों अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है वो रहा है भारतीय वायुसेना को लेकर। दोस्तों आपको बताते हैं कि भारतीय वायुसेना ने 39 Mirage 2000 फाइटर जेट्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ पूर्ण नवीनीकरण की आवश्यकता के बारे में सचेत किया है। भारतीय वायुसेना के साथ Mirage 2000 विमानों को HAL की मदद से उन्होंने बहाली वापस की है, जबकि 42 विमान नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि अभी उन पर काम किया जाना बाकी है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने कहा कि सभी मौजूदा वीडियो में एयरक्राफ्ट के परिचालन उपयोग की एक लाइफ होती है, और हर विमान जो कि लॉन्च किया जाता है वह पूरी तरह से एयरवर्थी होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने कहा कि विमान का अपग्रेडेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों की धारणा, उद्देश्य और परिचालन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, और सरकार द्वारा समय समय पर इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। दूसरे मुझे अगला अपडेट भी निकल के आ रहा है वो आ रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स ने Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट में ASRAM हीट सीकिंग क्लोज कॉम्बैक्ट एयर टू एयर मिसाइल लगाने के अंतिम दौर पर है। भारतीय वायुसेना रूसी मूल के फाइटर जेट Sukhoi-30 MKI में ब्रिटिश मिसाइल सिस्टम मेट कराने के प्रोग्राम के आखिरी दौर पर है। रिपोर्ट की माने तो HAL द्वारा निर्मित Sukhoi-30 MKI जेट की एक जोड़ी MBDA ASRAM
मिसाइल से तैनात करने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने इससे पहले जगुआर फाइटर जेट पर मिसाइल प्रणाली को सफलतापूर्वक इंटीग्रेटेड किया था। ASRAM इंटीग्रेटेड जगुआर्स जुलाई 2014 में यूनाइटेड किंगडम MBDA के साथ इंडियन एयरफोर्स के 250 मिलियन पौंड अनुबंध का हिस्सा है। मॉडिफाइड जगुआर्स इस साल ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाना है। दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तरीके से Sukhoi-30 MKI की वर्तमान में लगी रशियन R-73 को पूरी तरह से बदलने का इरादा बना चुकी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक डिसलाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।